नमस्कार दोस्तों, तमिलनाडु इंडियन यूनियन की सेकेंड मोस्ट रिचेस्ट एंड वेल्थीएस्ट स्टेट में से एक। यहाँ हर दिन किसी न किसी कंपनी द्वारा इंडस्ट्रीज को बनाया जाता है, सेटअप किया जाता है, इसीलिए शायद तमिलनाडु को इंडस्ट्रियल स्टेट भी कहा जाता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम कुछ बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे कि आने वाले वक्त में कौन कौन से बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट तमिलनाडु में लॉन्च किए गए और आने वाले में बनकर तैयार। वीडियो पूरा एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज पूछना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जरूर पूछें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रोजेक्ट है नागपट्टिनम तुतीकोरिन फोर लेन हाईवे प्रोजेक्ट। हाँ जी दोस्तों, भारतमाला स्कीम के तहत बनाया जा रहा है हाईवे, जिसकी टोटल लेंथ तकरीबन 330 किलोमीटर है, जिसे फोर लेन एक्सप्रेसवे के रूप में निर्माण किया जाना है। वहीं इस प्रोजेक्ट के तहत सी पोर्ट को कनेक्ट करने की परिकल्पना की गई है, जिससे कनेक्टिविटी तो अच्छी होगी ही होगी, साथ ही साथ समुद्री एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाएंगे। वहीं NHAI का कहना है कि मौजूदा टू लेन रोड, जिसमें कई घुमावदार मोड हैं, जिसके वजह से 40 किलोमीटर प्रति घंटा से लोग ट्रैवल कर पाते हैं, बट जब यह रोड फोर लेन हाईवे प्रोजेक्ट के रूप में बदल जाएगी तो काफी ज्यादा समय बचेगा और इसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। वहीं रिपोर्ट की बात करूं तो इसी साल तुतीकोरिन से रामेश्वरम तक तकरीबन 100 किलोमीटर लंबाई वाली फर्स्ट फेज का निर्माण शुरू किया जाएगा। तो अब देखते हैं कब तक निर्माण शुरू किया जाना है और कब तक इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट किया जाना है। फिलहाल मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ओर, जिसका नाम है चेन्नई मेट्रो फेज टू एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। हाँ जी दोस्तों, 118 किलोमीटर लंबी यह मेट्रो नेटवर्क, जिसमें तकरीबन 128 स्टेशन को बनाया जाना है। वहीं इस प्रोजेक्ट को तीन कॉरिडोर के रूप में बनाया जाना है। पहला कॉरिडोर माधवपुरम से लेकर शिवकोट तक तकरीबन 46 किलोमीटर तक बनाया जाना है। वहीं सेकेंड कॉरिडोर लाइट हाउस से लेकर पुनावाला बाईपास तक 26 किलोमीटर तक बनाया जाना है। थर्ड कॉरिडोर माधवपुरम से लेकर सोलिंगमपुरम तक 47 किलोमीटर लंबी ट्रैक को निर्माण किया जाना है, जिसका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 63,246 करोड़ है। अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं तो 100% सॉइल टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। ही मैं रिपोर्ट्स की बात करूं तो कुछ कुछ प्लेसेस पर वर्क इन प्रोग्रेस है। अब देखते हैं ये कब तक बनकर तैयार होना है। फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि 2026 तक पूरी तरह से बनाकर पूरा किया जाना है। देखते हैं कब तक पूरा होता है। फिलहाल मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ओर, जिसका नाम है चेन्नई सेकेंड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। हाँ जी दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाया जा रहा है एयरपोर्ट पूरी तरह से ग्रीनफील्ड के रूप में बनाया जाना है। इसके लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने दो प्लेसेस को सूट आउट किया था, फर्स्ट पन्नौर एंड सेकेंड परंदूर, बट अब न्यूज आ रही है कि इसे इंडस्ट्रियल बेल्ट हसौर में से बनाया जाना है, जो कि कृष्णा नगरी डिस्ट्रिक्ट में बेंगलुरु से 40 किलोमीटर का दूरी पर है। इसे 10 साल में बनाकर पूरा किया जाना है, ताकि चेन्नई एयरपोर्ट की ट्रैफिक को रिड्यूस कर सके और पब्लिक को आने जाने में कोई भी तरह की समस्या ना हो। वहीं इस प्रोजेक्ट का काम 2023 तक काम शुरू किया जाना है। उम्मीद लगाया जा रहा है कि इसमें तकरीबन 15,000 करोड़ की लागत आ सकती है, जो तकरीबन 4,500 एकड़ में इसे बनाया जाना है। अब देखते हैं इस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को कब तक शुरू किया जाता है और कब तक इसे कंप्लीट किया जाता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में काफी डिले हो चुकी है। बार बार टेंडर निकलती है, उसके बाद डिले होती है, बन नहीं पाती है, बट इस बार होप लगाया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द इसे शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। अब देखते हैं इसका फ्यूचर क्या होता है। फिलहाल मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ओर, जिसका नाम है तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। हाँ जी दोस्तों, भारत सरकार द्वारा चेन्नई, तिरुचिरपल्ली, कोयम्बतूर, सलेम और होसूर सहित तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण होना है, जिसे एक प्रोजेक्ट के तहत न्यू डिफेंस फैसिलिटीज, एक्सपोर्ट सेंटर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इत्यादि को बनाया जाना है और सेटअप किया जाना है। इसके लिए टीरको ने माउस के तहत IIT मद्रास और DRDO से साइन किया है एज अ नॉलेज पार्टनर। वहीं अगर मैं रिपोर्ट्स की बात करूं, 3,123 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की गई है, जिसमें गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कंपनियां जैसे कि TVS, टाटा, अल्फा डिजाइन जैसे 50 से अधिक कंपनियां द्वारा इन्वेस्ट किया जाना है, जो भारत की दूसरी बड़ी डिफेंस कॉरिडोर में से एक होगी। वहीं इस प्रोजेक्ट के तहत एरोस्पेस को भी सेटअप किया जाना है, जिसका टोटल एरिया तकरीबन 250 एकड़ है। बाद में से 500 एकड़ तक एरोस्पेस को बनाया जाना है, बट इनिशियल फेज में 250 एकड़ में से बनाया जाना है, जो पूरी तरह से आधुनिक और वर्ल्ड क्लास होगी। इस प्रोजेक्ट के बन जाने से जितने भी सामान हम बाहर खरीदते हैं वो सारे के सारे इस प्रोजेक्ट के तहत बनाए जाएंगे और हमें कोई भी डिफेंस रिलेटेड चीज को बाहर से नहीं खरीदना पड़ेगा। इसीलिए भारत सरकार द्वारा डिफेंस कॉरिडोर को लेकर, ऐसे में देखते हैं ये कब तक बनकर तैयार होता है। फिलहाल मैं बताता हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ओर, जिसका नाम है चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हाँ जी दोस्तों, 114 साल पुराना एगमोर रेलवे स्टेशन की
फाइनली रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 450 करोड़ है। इस 450 करोड़ में स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण किया जाना है, प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाना है, सर्कुलेटिंग एरिया है, लिफ्ट, पार्किंग, आसपास के एरिया को पूरी तरह से मॉडर्न और वर्ल्ड क्लास के रूप में बनाया जाना है, जिसकी डेडलाइन 24 मंथ दी गई है। अब देखते हैं ये कब तक शुरू किया जाएगा और कैसे इसे बनाकर तैयार किया जाना है। रिपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो इसे एक आइकॉनिक बिल्डिंग के रूप में तैयार किया जाना है, जिसमें सभी मॉडर्न और एसेंशियल सुविधाएं उपलब्ध होगी, जैसे कि आपको एक एयरपोर्ट में देखने को मिलता है। तो देखते हैं ये प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होता है। फिलहाल मैं बताऊं नेक्स्ट प्रोजेक्ट को, जिसका नाम है मदुराई तुतकुड़ी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर फेस 4 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हाँ जी दोस्तों, 20,000 मिलियन रुपीज से बनाया जा रहा है यह कॉरिडोर तमिलनाडु की पूरी इकोनॉमी बदल कर रख देगी। वहीं तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद स्टेट की इकोनॉमी $1 trillion से पार कर जाएगी। वहीं ऑफिशियल्स का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के तहत यानी कि इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत कुछ फ्रेश इन्वेस्टर भी पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से फॉक्सकॉन, टाटा मोटर्स, टेस्ला इत्यादि कंपनी होगी। इस पूरे कॉरिडोर को एक इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल के साथ साथ कॉमर्शियल हब के रूप में निर्माण किया जाना है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा फोकस किया जाना है। इसे 2030 तक 1 trillion इकोनॉमी को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जो फिलहाल $26 million है। फिलहाल मैं अपना वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। कोई भी क्वेश्चन और क्वारीज पूछना हो तो आप मैं इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ज़रूर पूछें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।